स्टूडेंट्स द टॉपिक इज क्वाडेटिक इक्वेशन सो इफ द डिग्री ऑफ वेरेबल इन एनी इक्वेसन इज वन देन इक्वेशन इज कार्ड लीनियर इफ द डिग्री इज टू दैन इक्वेशन इज कार्ड क्वाडेटिक एंड इफ द डिग्री इज थ्री देन इक्वेशन इज क्यूबिक यानी अगर किसी इक्वेशन में वेरेबल की हाइएस्ट पावर वन है तो लीनियर होगा वेरेबल की हाइएस्ट पावर टू है तो क्वाडेटिक होगा वेरेबल की हाइस्ट पावर थ्री है तो क्यूबिक होगा वेरेबल की हाइएस्ट पावर फोर है तो फोर्थ रूट का इक्वेशन होगा इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे किसी भी इक्वेशन में एक्स की जितनी पावर होती है उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स निकलते हैं है ना यानी उस इक्वेशन के उतने ही सोलूशन होंगे एक्स की उतनी ही वैल्यू निकलेगी उसको रूट्स कहेंगे ठीक है यहां हम क्वारिटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्वारिटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू है मान लेते हैं इस वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट हमारा ए है फिर उसके बाद इससे कम पावर वाली वैल्यू एक्स आएगी आपकी अगर हम वेरिएबल एक्स ले रहे हैं तो जिसके साथ एक कांस्टेंट हमने बी लिखा और लास्ट टर्म जिसमें एक्स की पावर जीरो यानी कांस्टेंट टर्म ही केवल आएगा तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मिलता है जर्नल फॉर्म जर्नल फॉर्म भी कहते हैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वार्टिक इक्वेशन है क्लास नाइन्थ में भी आपने देखा है इसको पढ़ा हुआ होगा तो पहले यहां देखते हैं रूट्स को सेटिस्फाई करेंगे पहले इक्वेशन में जैसे इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं ठीक है यहां दो रूट्स दिए गए हैं हमें चेक करना है कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं हैं तो एक बार हम वेरिएबल की जगह पे ये पहला रूट्स रखेंगे यानी एक्स की जगह पे वन रख रख देंगे और चेक कर लेंगे अगर दोनों साइड इक्वल हो जा रहे हैं तो है यहाँ पे नहीं है तो ये इसका रूट नहीं होगा ठीक है इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ हम चेक करते जाएंगे यहाँ इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया है जिसमें लिखा है कि माइनस वन बाई टू इसका एक सोलूशन है तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सोल्यूशन का मतलब एक्स का एक रूट हो जाएगा तो एक्स की जगह पे हमें माइनस वन बाई टू वैल्यू पुट कर देनी है तो दोनों साइड क्या होनी चाहिए बराबर होने यानी जीरो के बराबर होना चाहिए हमने वैल्यू पुट करी है सॉल्व किया है के को ट्रांसपोज किया है तो के की वैल्यू हमें मिल गई है थ्री बाई फोर माइनस थ्री मींस इसको सॉल्व किया तो माइनस नाइन बाई फोर तो इस तरह से हम अननोन क्वांटिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्वालिटी के इक्वेशन का सॉल्विंग मेथड देखते हैं दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है फैक्टराइजेशन मेथड और फार्मूला मेथड फैक्टराइजेशन करना हमने क्लास नाइन्थ में सीखा है सपोज दैट कि एक इक्वेशन दिया है ठीक है तो पहले इक्वेशन से हम डिनोमिनेटर हटा लेते हैं डिनोमिनेटर को राइट साइड लेके जाएंगे जीरो हो गया हमें एक इक्वेशन मिला इक्वेशन में फिर हम कॉमन पार्ट देखते हैं क्या कॉमन हो रहा है कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स मिल जाते हैं एक बार एक्स को जीरो के इक्वल किया तो पहला रूट जीरो आ गया एक बार एक्स माइनस फाइव को जीरो के इक्वल किया तो एक्स की वैल्यू फाइव आ गई तो इस तरह से कॉमन लेकर के हम सॉल्व करेंगे ओके okay, स्टूडेंट तो फैक्टराइजेशन मेथड में है मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करने का मेथड तो देख लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट यहाँ पे आपका ए हो गया एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पे माइनस फाइव यानी बी की वैल्यू हो गई और माइनस सिक्स आपका सी हो गया ए इंटू सी करते हैं यानी वन इंटू माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स आया सी को सिक्स को अब ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि माइनस करने पर कितना माइनस करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए कौन सी बीच वाली वैल्यू यानी फाइव आ जाए तो वी नो देट कि सिक्स वन जाए क्या होता है सिक्स होता है और सिक्स में से अगर हम वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा फाइव लाना हमें है माइनस फाइव तो सिक्स माइनस वन नहीं करेंगे वन माइनस सिक्स करेंगे ताकि माइनस फाइव आ जाए वन माइनस सिक्स मीन्स एक्स माइनस सिक्स एक्स यहाँ हमने लिखा एक्स माइनस सिक्स एक्स पेयर बना लिया है और दोनों पेयर से कॉमन ले लिया है पहले पेयर से एक्स कॉमन लिया है और दूसरे पेयर से माइनस सिक्स कॉमन लिया है और फैक्टराइज़ कर लिया तो एक बार एक्स प्लस वन को पहले फैक्टर को हमने जीरो के इक्वल एक किया एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई एक बार दूसरा फैक्टर यानी एक्स माइनस सिक्स को जीरो के इक्वल किया तो एक्स की वैल्यू सिक्स आ गई इस तरह से हमें एक्स के दो रूट्स निकल जाते हैं इन रूट्स को अल्फा और बीटा भी कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का दूसरा मेथड है फार्मूला मेथड ठीक है फार्मूला मेथड में हमें एक्स की डायरेक्ट वैल्यू श्री धाराचार्य से मिलती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए यहाँ जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी गई है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं तो यहाँ से अगर एक बार हम प्लस वैल्यू ले लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए एक बार माइनस वैल्यू लेके लिख लिया तो एक रूट हमारा अल्फा आ जाता है एक रूट बीटा तो डायरेक्ट यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को जो हमने यहाँ फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था यहाँ हमने ए बी सी की वैल्यू लिखी और पहली वैल्यू में पुट किया है ठीक है प्लस माइनस में हमने यही पुट कर दिया है और सॉल्व कर लिया है तो एक बार प्लस लिया जब हमने तो अल्फा लिख लिया एक बार माइनस वाली वैल्यू ली तो बीटा लिख लिया यहां से दोनों रूट हमारा सिंपली निकल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम रूट्स निकालते हैं अल्फा बीटा कहते हैं श्रीधरा मेथड से अभी हमने देखा है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉइंट टू ए यहाँ रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है इसको मैंने बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा कितना सोल्यूशन होगा या कैसे सॉल्व रियल वैल्यूज आएंगी या नहीं आएंगी वो डिपेंड करेगा इसी वैल्यू पर ठीक है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी डिस्क्रिमिनेंट पर यानी नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पर तो डिस्क्रिमिनेंट को डी से हमने डिनोट किया देख लेते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो आ गई यानी ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई टू ए यानी दोनों रूट बराबर हो जाएंगे दोनों रूट बराबर हो जाएंगे और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन टू ए तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी ठीक है तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे अगर जीरो आ गया तो माइनस बी बाई टू में वैल्यू रख करके हम एक्स सॉल्व कर लेंगे दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी यानी रूट क्या हो जाएंगे इक्वल रूट्स हो जाएंगे दोनों और रियल आ जाएंगे लेकिन अगर बी स्क्र माइनस फोर ए सी की वैल्यू प्लस में आ जा रही है मीन्स ग्रेटर देन जीरो आ जा रहा है तो दो रूट्स निकलेंगे जैसे हम सॉल्व करते थे फार्मूला मेथड से उस तरह से सॉल्व करेंगे दोनों रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे और बराबर नहीं आएंगे यानी अनइक्वल रूट्स होंगे लास्ट चीज़ अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आप निकाल रहे हैं वैल्यू निगेटिव आ गई यानी लेस देन जीरो आ गया तो रूट के अंदर वैल्यू निगेटिव हो गई तो कोई सोल्यूशन होता नहीं इक्वेशन का यानी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा मीन्स इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन लिख देंगे और जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं रहेंगे इमेजनरी रूट्स रहें इमेजनरी रहेंगे यहाँ आप देख रहे हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी इक्वल है जीरो के या फिर जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव है तो रूट्स आपका रियल आ रहा है रूट्स कैसा आ रहा है रियल आ रहा है तो दोनों ही कंडीशन में रूट्स रियल आएंगे अगर नोमेरिकल में लिख के आता है कि इक्वेशन हैव रियल रियल रूट्स रूट्स केवल लिख के आता है तो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर होना चाहिए या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए मीनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर रियल रूट्स लेकिन अगर ये लिख के आता है कि roots, तो है? रियल एंड इक्वल रूट्स तो केवल ये सेटिस्फाई करेगा ठीक है केवल रियल रूट्स लिख के आता है तो ये सेटिस्फाई करेंगे और इस पर नमेरिकल लगाएंगे 5.4 पॉइंट में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ठीक है यहाँ एक इक्वेशन क्वेश्चन दिया है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इससे हमने कंपेयर किया है ए और ए बी और सी निकाला है यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट एक्स का कॉफिशेंट और टर्म लिख लिया है अब डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो यहाँ हमने बी की वैल्यू रखी है फोर और ए और सी की वैल्यू रखी है सॉल्व किया है फोर्टी आ गया फोर्टी पॉजिटिव वैल्यू आई यानी प्लस में आ गया मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया या जीरो से बड़ा आ गया तो जीरो से बड़ा आया तो, तो रियल रूट्स होगा और जीरो से बड़ा आया तो दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे यानी अनइक्वल रूट्स निकलेंगे एक एक क्वेश्चन ये भी है इसमें भी हमने ए बी सी नोट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में वैल्यू पुट की है जिससे d की वैल्यू 16 आ गई ये भी वैल्यू पॉजिटिव आई मींस डिस्क्रिमिनेंट इसका जीरो से बड़ा आ गया तो इसके भी रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे अब हम इक्वेशन को सॉल्व करके यानी फार्मूला मेथड से और अल्फा बीटा निकाल लेंगे वैल्यूज आ जाएंगे ठीक है अब कुछ और इक्वेशन देख लेते हैं जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ इक्वेशन हैव रियल एंड अनइक्वल इक्वल रूट सॉरी रियल तो और ये इक्वेशन दिया हुआ है तो यहां से हम ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पहले हमने नोट कर ली रियल और इक्वल दिया है तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर कर देंगे अगर इक्वल ना दिया होता केवल रियल रूट दिया होता तो बी स्क्वायर माइनस फोर इस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखते हैं ठीक है यहां इक्वल भी लिखा है तो ये लिखेंगे हमने केवल वैल्यू पुट कर देनी है बी की माइनस फोर ए की वैल्यू और सी की वैल्यू और हम सॉल्व करते चले आएंगे हमें यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर लें या फिर फॉर्मूला मेथड से तो फैक्टराइज मिल जाएगा और एम की हमें वैल्यूज मिल जाएंगी ओके अब एक क्वेश्चन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो यहाँ ए की वैल्यू थ्री है बी की वैल्यू माइनस पी है और सी की वैल्यू प्लस फाइव है क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन हैज़ रियल रूट्स केवल रियल रूट्स लिखा है तो क्या लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस फोर इस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वैल्यूज पुट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा यहाँ पी स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट फिफ्टीन स्क्वायर आ गया यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो एक बार पहले फैक्टर को हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो किया है जिससे पी की वैल्यू निकल आई है पी इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू अंडर रूट फिफ्टीन एक बार दूसरे फैक्टर को हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू के जीरो के इक्वल किया है तो पी की वैल्यू आ गई है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू अंडर रूट फिफ्टीन